हेलो दोस्तों, मैं रविकेश शर्मा और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रविकेश शर्मा में। दोस्तों, आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट की यूनिट 4 डिस्कस करने वाले हैं और यूनिट फोर्थ में आपके 3 चैप्टर हैं, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 जो कि है चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नाम है विपणन मार्केटिंग। तो दोस्तों, मार्केटिंग क्या है आज की डेट में आपको समझा दूँ पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो बता दूं चैप्टर अब हम कौन सा डिस्कस करें, 14 यूनिट 4 टॉपिक है मार्केटिंग, हिंदी में कहते हैं विपणन। तो पहले हम सिंपल सा एक मार्केटिंग का मतलब समझते हैं कि विपणन होता क्या है। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, हम जब बाजार में जाते थे या पहले जो भी सेलर होते थे वो क्या करते थे, वस्तु को पहले बना लेते थे, प्रोडक्ट को, और उसके बाद क्या करते थे, वो बेचना स्टार्ट करते थे। कहने का मतलब क्या है, बनाते तो थे लेकिन वो उपभोक्ता की जरूरत को ध्यान में नहीं रखते थे। नॉर्मली वो ये सोच रख के चलते थे, बना लो कुछ भी, बस बेचना आना चाहिए, कस्टमर को तो बस तुम्हें काटना है। तो वो कस्टमर को ध्यान में रख कर प्रोडक्ट नहीं बनाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब थोड़ी मेंटेलिटी चेंज हुई है। तो जो मैंने अभी पहले बताया आपको कि वो बस बनाते थे और बेचते थे, उन्हें कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से, कस्टमर की नीड से कोई मतलब नहीं था। तो उस प्रोसेस को सिंपल कहते हैं सेलिंग, विक्रय करना। लेकिन ये जो मेथड है ये थोड़ा चेंज हुआ आज के रिसेंट डेट में। हो क्या रहा है, अब जो क्या कहते हैं कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्ट किसको देखकर बना रही है, कस्टमर की नीड्स और उसके सेटिस्फेक्शन को देखकर बनानी है। उनको भी अब पता पड़ चुका है कि अब हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो तभी बिकेगा क्योंकि अगर कस्टमर उसे खरीदेगा। और इकोनॉमी में इतनी सारी कंपनियां हैं, इतना सारा कंपटीशन है कि सारी कंपनियों को कंपटीशन में बने रहने के लिए कस्टमर को अपने साथ अटैच करके रखने की जरूरत है। तो आज की डेट में वो क्या कर रही है, बड़ा ही सोच समझ के प्रोडक्ट बना रही है। आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पहले क्या होता था कि सेलिंग क्या है, सेलिंग का एक सिंपल एग्जांपल देखिए कि पहले एक हेड एंड शोल्डर का शैम्पू आता था, वो 3 रुपए का आता था। तो मोस्टली लोग इंडिया में 3 रुपए का शैम्पू कौन अफोर्ड कर रहा है भाई, हमारा क्लिनिक प्लस का शैम्पू आता है, उसे वो खरीद लेते थे। बट क्या हुआ, अब जब हेड एंड शोल्डर को ये एनालाइज हुआ कि यार इंडिया में जो कस्टमर है वो इतना महंगा शैम्पू नहीं खरीदते ग्राहक, तो उन्होंने क्या करा, उस 3 रुपए वाले शैम्पू को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अब बना दिया वो 1.5 रुपए का। बात वही है, उसने 3 रुपए वाले शैम्पू को किसमें बना दिया, 1.5 रुपए का। अब क्या हुआ, लोगों की पहुंच तक वो इजी हो गया, या कह लो लोगों की मेंटलिटी समझ गए वो लोग कि 3 रुपए में 2 लेना पसंद करेंगे बजाय 3 रुपए के 1। तो वही कस्टमर जा रहा दुकान पे, कहता है 3 के 2 हेड एंड शोल्डर के शैम्पू दे दो। तो हो क्या क्या, उसने अब मार्केटिंग करी है हेड एंड शोल्डर ने, बजाय क्या करने के, सेलिंग करने के। डोमिनोज आपने सुना होगा, डोमिनोज सिंपल सा क्या करता है, मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। नॉर्मली हम जाते हैं डोमिनोज में तो एक बंदा तो स्पेशल गेट खोलने के लिए खड़ा होता है और बोलता है वेलकम मैम। तो हो क्या रहा है, वो कस्टमर की नीड्स को बड़ा और सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आपने देखा वो टेबल पर भी रखा रहता है कि अगर आप हमारी प्रोडक्ट से, हमारे गुड से सेटिस्फाई नहीं है तो आप रिटर्न करके दूसरा ले सकते हैं, ये उस पर डोमिनोज में लिखा रहता है और टेबल पे एक लगा भी रहता है बैनर। तो हो क्या रहा है, वो सब समझते हैं किस पे, मार्केटिंग के बारे में कि अगर आज हम अपने कस्टमर को रिटेन करके रखेंगे तो फ्यूचर को हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके इस चैप्टर से वही आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, विपणन अवधारणा क्या है। तो मैं आपको सिंपल से वे में समझाया था विपणन क्या होता है, उसके बाद इसकी विशेषताएं बताइए। तो आप बता सकते हैं विशेषताएं क्या हो सकती हैं। पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना मार्केटिंग में कि विपणन में कंपनी, विक्रेता किसको मद्देनजर लेके चलता है, कस्टमर को। लेकिन सेलिंग में विक्रेता केवल और केवल उपभोक्ता को बेचना चाहता है, उसके संतुष्टि से उसे कोई मतलब नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, विपणन क्या है और इसकी विशेषताएं। दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन इसमें हमें डिस्कस करना है वो आप कर सकते हैं, विपणन और विक्रय में अंतर, मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस। तो इसमें दिया हुआ है विपणन जो है वो ग्राहकों की आवश्यकता को संतुष्ट करता है, वहीं विक्रय वस्तुओं का विनिमय करता है, मतलब खरीदता बेचता है। विपणन एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, वहीं विक्रय एक सीमित एक्टिविटी है। उद्देश्य दीर्घकालीन प्रगति किसका, विपणन का, मतलब लंबे समय तक आपको क्या करना है, ग्रोथ करनी है। वही सेलिंग का, बेचो, सीमित लाभ होता है उनका। दूसरा मार्केटिंग आज की डेट में एक आधुनिक तरीका है, मीन्स मॉडर्न तरीका है, और वहीं अगर हम सेलिंग से चलें तो वो क्या है, पुराना घिसा पिटा तरीका है। तो दोस्तों एक सिंपल सा मैं पहले समझाऊं कि मार्केटिंग का प्रोसेस है कितना। तो नॉर्मली कस्टमर जो हमारा है वो क्या सोच रहा है, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें सोचना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, बनाने के बाद बेचना, बेचने के बाद कंज्यूमर का उसे यूज करना, और यूज करने के बाद अगर ये बोल दे वो मजा आ गया, तो मजा आ गया का मतलब वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पर हमारी मार्केटिंग पूरी क्या होती जाके खत्म होती है। मीन्स ये पूरी एक्टिविटी सोचने से लेके उसके कंज्यूमर के सेटिस्फाई और फीडबैक तक क्या कहलाएगी, मार्केटिंग, विपणन। वही सेलिंग में क्या होता है, आपने कस्टमर को सामान बेचा, चल भाई निकल, टाइम खत्म। तो सेलिंग क्या है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है, और मार्केटिंग क्या है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। और हम भी चाहते हैं कि प्रोडक्ट जो बेचे जाए वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेचे जाए। तो आप विपणन और विक्रय में अंतर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद आ रहा है दोस्तों एक मार्केटिंग मिक्स। क्या है मार्केटिंग मिक्स का मतलब है, जब आप कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आप 4P पर ध्यान देते हैं, 4Ps पर। 4Ps कौन सा है, पहला तो हो गया प्राइस, पहला हो गया प्रोडक्ट, हिंदी में कहेंगे इसको उत्पाद। हम क्या पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स, हिंदी में इसको कहते हैं विपणन मिश्रण, विपणन मिश्रण। तो इसके अंदर आपको 4P पर ध्यान देना पड़ता है। वो 4P क्या कहलाते हैं, आपके विपणन मिश्रण कहलाते हैं। तो पहला तो हो गया प्रोडक्ट, दूसरा हो गया प्राइस, तीसरा हो गया आपका प्रमोशन, और चौथा हो गया आपका यहाँ पे प्लेस। प्राइस मतलब कीमत हो गया आपका, संवर्धन, और यहाँ पे स्थान। अब जरा दोस्तों समझो, मान के चलो आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है। मार्केटिंग में आपने 12th में एक प्रोजेक्ट बनाया भी होगा बिजनेस में कि आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना था। उसमें तो प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान देंगे कि मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, कौन मतलब उसमें इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले आप जो ध्यान देते हो किस पे देते हैं, प्रोडक्ट पे। आपका प्रोडक्ट क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, इसकी पैकेजिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आता है, प्रोडक्ट के अंदर। फिर जब आप डिसाइड कर लेंगे आपको प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो आप उसके बारे में सोचते हैं कि उसका प्राइस क्या होगा। तो फिर अगला पॉइंट आता है कीमत। आप कीमत के बारे में सोचने लगते हैं कि हमें लागत क्या आ रही है, उस हिसाब से हम कीमत क्या रखें। उसके बाद आता है कि आप उसका प्रमोशन कैसे करेंगे। आज की डेट में तो बड़ी बड़ी फिल्मों का भी प्रमोशन किया जाता है, तो आपका प्रोडक्ट तो वैसे ही फेमस होना चाहिए। तो अगर फेमस होगा तब जाके वो क्या होगा, ज़्यादा बिकेगा। आपकी डेट में, आज की डेट में आप देख सकते हैं कई सारे ब्रांड हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। मैगी 2 मिनट में तैयार, तो उसने मतलब अगर किसी बंदे को भूख लग रही है तो मैगी लेके आ जाता है और अपनी भूख मिटा लेता है, और उसने ब्रांड बना लिया है। आज की डेट में अगर कोई भी नूडल्स खाता है तो वो नाम क्या लेता है, मैगी, मतलब एक तरह से ब्रांड बना लिया है। सेम डिटॉल को हम यूज़ करते हैं तो डिटॉल को ऐसा लगता है कि डिटॉल को हमारे यूज़ करते ही कीटाणु सारे मर जाएंगे। तो हो क्या रहा है, इन लोगों ने अपने आपस में क्या करा, बना लिया है, ब्रांड बना लिया है। कोलगेट को ले लो, सिंपली कोलगेट का मतलब ही आज हो गया टूथपेस्ट। वैसे कोलगेट टूथपेस्ट का एक ब्रांड है, मतलब एक कंपनी है, लेकिन उसने क्या अगर आज की डेट में इतना ज़्यादा प्रोडक्ट को अपने फेमस कर दिया है, प्रमोशन कर दिया है कि आज की डेट में भले ही घर में दंत कांति आता हो पतंजलि का, लेकिन मम्मी सुबह उठ के कहती है तूने कोलगेट कर लिया। अभी कोलगेट क्यों बोला, क्योंकि टीवी में इतनी बार दिखाया जा रहा है कोलगेट कोलगेट कोलगेट, क्या करा जा रहा है, प्रमोशन, जिसकी वजह से वो चीज़ क्या हो गई है, फेमस। तो आपको जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए, प्राइस पर ध्यान दीजिए, प्रमोशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेस। कोई चीज़ कस्टमर के जितने नियर होगी उसको खरीदने में उतनी आसानी होगी। तो आप कोशिश करें कि इसलिए क्या करते हैं, नॉर्मली जो बड़े बड़े सेलर होते हैं वो अपने प्लांट ही ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ से कस्टमर की क्या हो, पहुँच आसानी से हो सके। शहर के आसपास लगा लिया ताकि उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी हो। अब मान लीजिए बेचना उन्हें प्रोडक्ट दिल्ली में है और उन्हें उसका जो फैक्ट्री लगा रखी है वो कन्याकुमारी में लगा रखी है, अब उस आधा टाइम तो लाने ले जाने में निकल जाएगा। सो प्लेस भी मैटर करता है। तो जब भी आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आप 4P पे ध्यान देंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। इस टॉपिक को बोलते हैं विपणन मिश्रण। तो आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं 1 by 1, इसमें आपको दे रखा है। प्रोडक्ट के बारे में भी दिया हुआ है, प्राइस के बारे में दिया है, वितरण के बारे में और प्रमोशन के बारे में भी दिया हुआ है। दोस्तों ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के दिया है बाजार खंडीकरण क्या है, इसके विभिन्न आधार बताइए। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन ये क्या है भाई? एक्चुअली क्या है, हमारे मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ यंग हैं, जेंट्स, फीमेल। तो उन सब के हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट भी क्या किए जाते हैं, अलग अलग तरह के लॉन्च किए जाते हैं। जस्ट ठीक है। अब कोई जो नेल्स पॉलिश निकाल रहा है वो भाई हमारे लोगों के लिए तो नहीं निकालेगा, जेंट्स के लिए। वो किसके लिए? लेडीज़ के लिए। ओके, बच्चों के जो कपड़े निकाल रहे हैं वो किसके लिए? छोटे बच्चों के लिए। और मतलब जो प्रोडक्ट होता है वो एक देख के चल रहा है कि मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो मैं किसके लिए स्पेसिफिक यूज़ करने जा रहा हूँ वो चीज़। ठीक है। अब आ रहा है कि बॉर्नविटा बेसिकली हो गया, तो मोस्टली किसको देख के बनाया जाता है? बच्चों को ध्यान में रखकर उसकी मार्केटिंग की जाती है। तो हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? खंडीकरण, बाजार खंडीकरण। तो इस बाजार खंडीकरण का सिंपल सा मीनिंग बता दूं कि हमारी मार्केट में अलग अलग एज, अलग अलग मतलब अलग अलग विशेषता वाले लोग रहते हैं। तो उस हिसाब से बांट देना क्या कहलाता है? बाजार खंडीकरण। और उस हिसाब से वो क्या बनाते हैं ना प्रोडक्ट। तो बता रखा है इसमें देखो किस बेस पे बांटते हैं। सबसे पहला बता रखा है इसने भौगोलिक, कई उत्पाद क्या करते हैं भौगोलिक उत्पाद हिसाब से ही बनाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप कूलर की बात करें और कूलर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में बात करें तो बड़ा हंसने वाली बात होगी अब जहाँ पे मोस्टली बर्फ़ होती है वहाँ पर कूलर का क्या यूज़। तो कूलर तो यहाँ गर्मी में जितनी गर्मी हो रही है, मतलब दिल्ली में जो गर्मी हो रही है उसके लिए बना है। तो अब ज्योग्राफिकल जो मैं बात कर रहा था, मतलब भौगोलिक, इसका मतलब हो गया एरिया के हिसाब से, जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से क्या बनाना? अपने उत्पाद को बनाना। तो एक ये हो गया मार्केट सेगमेंटेशन। उसमें दूसरा बता रखा है साइकोलॉजिकल। नॉर्मली क्या है, लोग अलग अलग कैटेगरी के आते हैं। अब सिंपल सा जींस के ऊपर ले लेते हैं। कुछ लोग फटी हुई जीन्स को पहनना नहीं चाहते और कुछ लोग फटी जीन्स को क्या मानते हैं? फैशन मानते हैं। तो उस हिसाब से ही उनकी मेंटेलिटी को देखते हुए क्या करा जाता है? प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो वो हो गया मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी अगला बांटने का तरीका वो है प्रॉफिट। किसी को किसी में प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है तो किसी में किसी को प्रॉफिट कम दिखता है, किसी में अटैचमेंट से वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस बेस पे बांट सकते हैं। कहीं पे जाति, धर्म, जननांग की डेमोग्राफिक बोल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा के आधार पर भी ग्राहकों क्या करता है? बांटा जाता है। नॉर्मली किसी एरिया में किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोग ज़्यादा रहते हैं तो उस हिसाब पे आप देखोगे वहाँ मार्केट में उसी तरह के प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा मैं आपको एक डेमोग्राफिक का, कि कंपनियाँ कैसे सोसाइटी को देखकर, एरिया को देखकर प्रोडक्ट को वहाँ पे अवेलेबल कराती है। आप सिंपल बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक जो वॉशिंग मशीन होती है कपड़े धोने वाली, उसकी डिमांड कहाँ होगी ज़्यादा, गाँव में या शहर में? आपको दो ऑप्शन दिए, गांव और शहर। बेसिकली मोस्टली लोग बोलेंगे शहर में, क्योंकि मोस्टली लोग शहर के लोग कपड़े मशीनों से धोना पसंद करते हैं। लेकिन एक बार कंपनी ने अपने सर्वे में पाया कि एक गांव ऐसा है जहां पर वॉशिंग मशीन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू शहर। अब ऐसे कैसे पॉसिबल भाई? तो कहा जाके भाई पता करो ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे। अगर डिमांड ज़्यादा तो पहले पता करो क्या रीज़न है। अगर वो डिमांड सही वाजिब है, बिल्कुल तरीके का है, तो तो वहाँ पे अपनी एक दुकान खोल दो और, क्योंकि मशीन तो बहुत बिकेगी वहाँ। तो जब वहाँ गए सर्वे करने लोग तो पता करा कि भाई हाँ तुम लोग हमारे गाँव में इतनी मशीनें क्यों बिक रही हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमारा जो काम है वो है मट्ठा पेरने का। तो हम क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, दही डाला, मशीन चालू करी, 5 मिनट चलाया, पाइप से मट्ठा निकल गया। उनका बिजनेस ही यही था, मतलब उस गांव से जो बिजनेस होता था वो मट्ठे का ही होता था। तो कौन बार बार हांडी में यूज करता रहेगा। तो उनने क्या करा, वॉशिंग मशीन से मट्ठा फेर लिया। था ना यूनिक आइडिया। तो कंपनी वालों ने क्या कहा, एक काम करो यहाँ पे एक नया दुकान खोल दो वॉशिंग मशीन, क्योंकि यहाँ पे बिक जाएगी, क्योंकि लोगों का काम ही है और मट्ठा फेर रहे भाई, खराब तो होनी है एक दिन, ठीक है तो नई मशीन करेंगे, रिपेयर कराएंगे। तो आप उस कंपनी ने क्या करा, जगह को देखकर, एरिया को देखकर सप्लाई बढ़ा दी। तो ये भी एक एग्जांपल है मार्केट सेगमेंटेशन का, देख के बढ़ाना। फिर मार्केटिंग है, फिर वॉल्यूम है, किस हिसाब से लोग कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। कुछ लोग ज़्यादा मात्रा में माल खरीदते हैं, कुछ लोग कम मात्रा में खरीदते हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी मार्केट को क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 5 अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, तो कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद एक 2 टॉपिक और आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, ओवरव्यू दूंगा क्योंकि आप 10 ईयर से ऑलरेडी रीड कर रहे हैं। हिंदी में बोलूंगा। पहला है उत्पाद स्थिरीकरण, उत्पाद स्थिरीकरण। एक पॉइंट इंग्लिश में इसको बोला गया है प्रोडक्ट पोजिशनिंग, प्रोडक्ट पोजिशनिंग। और दूसरा इसमें एक और टॉपिक है उत्पाद जीवन चक्र, उत्पाद जीवन चक्र का मतलब है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब इन दोनों का मीनिंग समझिए। पहले बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट पोजिशनिंग की। तो प्रोडक्ट पोजिशनिंग का मतलब हो गया कि जब कोई उत्पाद मार्केट में आ रहा है तो वो अपनी स्थिति को बनाता है, अपनी पहचान बनाता है मार्केट में, तो लोग उसे पसंद करने लग जाए, लोग उसे पहचानने लग जाएं। तो जब लोग उसे पहचानने लग जाएंगे, उसका मतलब उसकी स्थिति अब बाजार में स्थिर हो जाएगी, वो कुछ बन जाएगा प्रोडक्ट, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, उत्पाद स्थितिकरण। हम मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट आया जो मार्केट में पहले नहीं था और आते ही क्या हो गया, फिर बाद में वो फेमस हो गया, तो मतलब उत्पाद का क्या हो गया, स्थितिकरण हो गया, अब वो मार्केट में सेट हो चुका है। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट आप ले सकते हो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का सिंपल सा मीनिंग बताऊं, कोई भी उत्पाद शुरुआत में अपने आप को सेटअप करता है, तो 0 पे होता है, धीरे धीरे वो अपनी लाइफ को बढ़ाता है, मतलब वो स्थितिकरण हो रहा है उसका, और धीरे धीरे एक दिन वो बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है धीरे 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 उसका अंत हो जाता है और वो प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाता है। मोस्टली ऐसे उत्पाद हैं जो क्या हुआ, कभी स्टार्ट हुए और आज की डेट में चलते ही नहीं है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि जो हमारे पहले ब्लैक एंड वाइट फ़ोन आते थे तो उनका वो कभी 0 थे, धीरे धीरे फ़ोन होते नहीं थे तो उनकी डिमांड बढ़ी, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अलग अलग आती रही तो उनकी डिमांड जब मैक्सिमम थी बाद में उनकी डिमांड क्या हो गई, और आज की डेट में वो नॉर्मली मान के चले तो ख़त्म है बिल्कुल। ठीक है। तो ये हो गया एक उत्पाद का जीवन चक्र जिसमें वो बनता है, उठता है और फिर गिर के बंद हो जाता है। तो उत्पाद जीवन चक्र के अंदर आई थिंक पॉइंट भी होंगे। देखिए जैसा कि बता रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है का पार्ट नंबर 2 कि सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस होता है, पहला पार्ट ग्रोथ होती है, ग्रोथ हो रही है, उसके बाद वो परिपक्व हो गया, मतलब एक तरह से पूरा मेच्योरिटी आ चुकी है उस पद में, उसके बाद वो फैलता है, प्रौढ़ होता है, उसके लास्ट में दोबारा से पतन हो जाता है। ठीक है। तो ये भी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ओके इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक उपभोक्ता व्यवहार क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर, और कंज्यूमर बिहेवियर किस चीज़ पे इफेक्ट करता है। तो बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर मतलब एक हम जब कोई उत्पाद खरीदने जा रहे हैं तो हमारे खरीदने पर कौन सी चीज़ें निर्भर करती हैं, किन चीज़ों पर हम खरीदने के लिए निर्भर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 फैक्टर दिए हैं, साइकोलॉजिकल, फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। साइकोलॉजिकल में बता रखा है कि बेसिकली तीन चीज़ होती है। पहला हमारी नीड्स, जब भी हम कोई उत्पाद खरीदने जाते हैं तो हम अपनी नीड्स के हिसाब से खरीदना चाहते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो खरीदेंगे ना, ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं खरीदेंगे। दूसरा में बता रखा है छवि, अगर आपकी उस प्रोडक्ट की इमेज बहुत अच्छी बन गई है, ठीक है, तो छवि के अंदर भी इसमें बता रखा है आप छवि, वस्तु छवि और ब्रांड छवि। बेसिकली छवि का मतलब क्या है, इमेज बन जाना। अब कैसे भी है, जस्ट एग्जांपल के लिए बोलते हैं ना, डिटॉल ने अपनी छवि बना लिया कि वो क्या मारता है, कीटाणु मारता है ना। तो आज की डेट में लोग गर्मी में डिटॉल से नहाना पसंद करते हैं क्योंकि पसीना भी आ रहा है बहुत सारा, तो कीटाणु उटाणु सब डिस्ट्रॉय है। तो अगर हमारे है कि हमें बैक्टीरिया मारना है, हमें कीटाणु मारना नहाते वक्त, तो कौन साबुन ले, मोस्ट लोग बताए डिटॉल या लैपबॉय। तो ये क्या हुआ, इन साबुनों ने अपनी क्या बना ली है, मार्केट में एक छवि बना ली, इसलिए भी हम इन्हें खरीदते हैं। दूसरा पता सीखना, हम एडवर्टाइजमेंट को देखकर सीखते भी हैं कि अच्छा इसको ऐसे प्रयोग करते हैं, ये हमारे लिए ऐसे उपयोगी है। तो ये आ गया हमारा साइकोलॉजिकल। उसके बाद आ रहा है आर्थिक, कि हमारे खरीदने में हमारे आर्थिक फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है। यार पहली हमारी आय, आर्थिक के अंदर अगर आय होगी तब तो खरीदेंगे। तो पारिवारिक आय, अगर मुझे लगता है फ्यूचर में मेरी इनकम बढ़ने के चांस है तो मेरी मांग भी बढ़ने के क्या होंगे, चांस होंगी। दूसरा कंज्यूमर क्रेडिट, अगर कोई व्यक्ति हमें उधार पे माल दे रहा है तो वो भी हमारे क्रेडिट को इफेक्ट डालता है। मान लो वो उधार पे उपलब्ध करा दे रहा है क्रेडिट पे, तो हम उसे क्या करेंगे, ज़्यादा खरीद सकते हैं। दूसरा सरकार कई चीज़ों पे टैक्स लगाती रहती है, किसी पे घटाती रहती है। तो सरकार अगर किसी चीज़ पर टैक्स बढ़ाएगी, सरकार अगर किसी चीज़ पर टैक्स बढ़ाएगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और सरकार अगर किसी चीज़ पर टैक्स घटाएगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद सामाजिक तत्व लगता है फैमिली, हम अपनी फैमिली के हिसाब से भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं। रेफरेंस, अगर कोई हमें रेफरेंस देता है उस हिसाब से खरीदते हैं। और हमारा स्टेटस के हिसाब से भी हम क्या खरीदते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं, मीन्स स्तर। दोस्तों ये बेसिक थे। अगर आपको विपणन समझ आ गया ना कि विपणन क्या है और सेलिंग क्या है, मीन्स मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस है, तो इस चैप्टर को आप इजीली पढ़ सकते हैं। इसको समझाने की इतना बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप 1 by 1 क्वेश्चन इसको पढ़िए, समझिए, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।